मीना दीदीके 10-15 दिन भए गेलैए, गुजर गेलै। बीमाके तरफसँ किछो मिललै? गरीब दीदी रहै, अगर किछु मिलतियै बीमाके तरफसँ, अगर बीमा करेने रहतियै किछु तऽ मिलतियै ने। देखियौ दीदी, ओ दीदी गेलखिन रहै चूल्हीमे से छाड़ नहि खाय लए, ओहिमे साँप बैठल रहै, काटि लेलकै हन, मरि गेलै हन। आब देखियौ, आब ओकरा बीमा नहि करेने रहथिन, आब ओकरा की कहै छै साँप करै, आब ओकर बाल बच्चा केना कऽ रहतै? अगर ओहो रहतियै तऽ ओहो जेहे पैसा मिलतियै मिल जैतियै। अपना जीविकामे की कहै छै बीमा अयलै हन, 100 मात्र रुपया लगै छै दीदी जी अथी बीमा करैमे, आ तकर बाद 100 सरकार दै छै सुनलियै, तऽ एहिके लिए साल भर के लिए अपने जीवन के लिए सुरक्षित जीविका दै छै सुनलियै, तऽ एहिके लिए अपने कराय लियौ, करेबनि तऽ अच्छा होतै सुनलियै। कुछ दीदी बतबा, बहुत अच्छा लागलै सब जीवन अधिक जानै छियै, बच्चो के लिए आयल छै पढ़ै लिखै के लिए, अपने बच्चो के सरकार मदद दै छै कि बच्चा पढ़ै छै तऽ ओहो सब मदद मिल जाइ छै, कि बच्चाके 100 रुपया जमा करलियै तऽ वएह सब बच्चा आरके पढ़ै लिखैके लिए सरकार दै छै। जी अथी बीमा करेला के बाद हर चीज नफा होतै दीदी, ई नहि सोचियौ कि 100 रुपया हमे दे देलियै तऽ पानिमे चलबै, नहि नहि, अपने सुरक्षित के लिए देलियै। अभी तक नहि करेलकै बीमा तऽ ओकरा किछु नहि मिललै, हमसब तऽ 100 रुपया तऽ एक दिनमे खाए उ जाइ छियै, हमसब करै छियै बच्चो कम से कम इंटर आ 10वाँके किछु पैसा भी मिलतै, 100 रुपया बीमा करबै छी, लाभ हेतै बाल बच्चाके, आगे अपना भी भविष्य के लिए अच्छा हेतै। सब दीदी सब दीदी देखियौ, हर दीदी के बीमा करबै के लिए जरूरी छै। आइ जे समझलियै दीदी, जे समझलियै समझलियै, काल्हि खाना अजगे एथनी हने अथी बीमा सहेली दीदी, तऽ सब बात समझबै, सब कोन अजगे अइथिन काल्हि खुना सुनलियै, तऽ समझ जेबै, जे हमरा तनी मनी जानै रहियै समझेलियै, काल्हुनी अइथिन तऽ सब बात समझ जेबै, लेकिन ई नहि भूलबै कि हमे अथी बीमा नहि करेबै सुनलियै ने। ठीके छै। नमस्ते दीदी, नमस्ते। मेरा नाम साधना देवी है, मैं जीविका में बीमा सहेली के रूप में काम कर रही हूँ। दीदी, आप लोग बीमा क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, इसी पे हमको बीमा के बारे में आप लोग को बताना है। दीदी, आपको आम आदमी बीमा योजना के बारे में मैं बताने आई हूँ, जिसमें कि 200 रुपया दीदी लगता है, और 100 रुपया आपका लगता है, और 100 रुपया आपको भारत सरकार देती है। दीदी, आपको बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें साल भर का आपका रिस्क कवर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पैर मेरा टूट गया, या टूट गया उसके बाद विकलांग हो जाता, अस्वस्थ हो जाते हैं शारीरिक रूप से, अब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं चल फिर के, तो उसमें आपको अगर एक पैर टूटा या उसके बाद विकलांग हो गए बैठे हुए घर बैठे हैं, तो उसमें आपको 37,500 रुपया मिलेगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि कहीं चलते हैं, मेरा दोनों हाथ टूट गया और पूरे विकलांग हो गया, हाथ अगर दोनों नहीं रहेगा तो हम तो कुछ नहीं कर पा सकते हैं, तो उसमें आपको 75,000 रुपया मिलेगा। और दीदी, अगर साल भर के अंदर आपका नॉर्मल मृत्यु होता है, सामान्य मृत्यु कुछ नहीं हुआ, अपने आप से मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आपको 30,000 रुपया मिलेगी। अगर दीदी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भी आपको 75,000 रुपया मिलेगी। और दीदी, इसमें जिस दीदी के बच्चे 9वीं से 12वीं क्लास तक में पढ़ाई कर रहे हो, उन दीदी के बच्चे को अगर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसमें 1200 रुपया है, और दो बच्चे जिनका पढ़ाई कर रहा है उनको 2400 रुपया सालाना छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है। मान लीजिए दीदी, आप 100 रुपया का बीमा करवाते हैं, अगर आपके बच्चे इसमें 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें दीदी आपको एक बच्चा अगर आपका पढ़ाई कर रहा है तो उसमें 1200 रुपया आपको मिलती है, अगर इसी में दो बच्चे आपका पढ़ाई कर रहा है तो 2400 रुपया मिलती है, तो 100 रुपये के बदले में दीदी आपको 2400 रुपया मिलती है। अच्छा दीदी, सब आदमी बीमा करवा पारे छे?
दीदी आपके लिए ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपको 18 से लेके 58 साल तक ही दीदी का बीमा होता है। हाँ दीदी, 18 साल से 58 साल तक का बीमा होता है। हाँ दीदी, इसमें 18 से लेके 58 साल तक ही का ही बीमा होता है। इतना समझ गए हैं ना दीदी, आपको और कुछ भी पूछना है? कुछ भी पूछे दीदी। तो हमारा दीदी 58 साल भए गेले है, हमें 200 रुपया जमा के लिए आया, अभी तक हमरा कुछो न होइले, तो की फायदा छे दीदी? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ये थोड़े आदमी सोच के बीमा करता है कि हमको कुछ हो जाए, ये तो अपनी जीवन सुरक्षा के लिए दीदी बीमा किया जाता है ना। दीदी 100 रुपया अपने जमे कर देवे तो ऐसे अपने की दिक्कत छे? अपने टिकलियो बराबर अपने जितना रोज दिन साथ आए छे ओकरो बराबर होय छे। एते 100 रुपया साल में ने 100 रुपया दे छे, ओकरा से मान के जो एक दिना में 100 रुपया लोग कुछ खाए पी के उड़ाए दे छे। 100 रुपया अपने देवे अगर कुछ हो गेले तो अपने के बाल बच्चा के रक्षा हो गेले। अच्छा दीदी, 100 रुपया की हर साल दिए पड़ते? हाँ दीदी, आप ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं। हर एक साल आपका 100 रुपया लगेगा, इसमें हर एक साल रेन्यूअल होता है। अच्छा दीदी, सब बीमा करवाए में की सब लगते है, कागजो पत्र लगते है बताइयो। हाँ दीदी, आपका जब सीएम दीदी बीमा करवाने जाएगी तो उसमें ऐसा एक बीमा फॉर्म लेके जाएगी और इसमें बीमा होगा, उसके साथ आपको एक वोटर आईडी हो या आधार कार्ड, दोनों में से कोई एक प्रूफ होना जरूरी है। जब दीदी लोग मृत्यु हो जाए बीमारी से समान कोई मृत्यु तो की सब कागज लगे छे? दीदी इसमें 4 चीज लगता है। पहला तो है जो दीदी मृत्यु की है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा और उसी दीदी का वोटर आईडी प्रूफ लगेगा। उसके बाद दीदी जो दीदी उस दीदी जिसका जिसका नॉमनी में नाम दी है उस नॉमनी का बैंक पासबुक और वोटर आईडी उस नॉमनी का भी लगेगा। दीदी इसमें आपका मृत्यु प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी भी लगेगा और उसका फोटो कॉपी लगेगा, दोनों चीज इसमें लगेगा और ओरिजिनल कॉपी आपका बाद में लौटा दिया जाएगा। अच्छा दीदी, जे मृत्यु होइ छथनी एक्सीडेंट होइ के तो ओकरा सबके की सब लगतै? दीदी एक्सीडेंट होला के बाद एक्सीडेंटल मृत्यु में अपनी के वोटर आईडी तो मृत्यु प्रमाण पत्र दू गो हो गेले, अपने के नॉमनी के बैंक पासबुक, नॉमनी के पहचान पत्र, एकर अलावा दीदी दू गो प्रूफ और इसमें लगते है। अच्छा। जे की अपने के पुलिस रिपोर्ट होते है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होते है। अच्छा। 6 गो प्रूफ हो जाए छे दीदी, 3 महीना के अंदर अंदर अपने की सारा रिपोर्ट जमा करे के छे। दीदी छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन कौन कागज बनवे पड़े छे? दीदी आपको छात्रवृत्ति का एक फॉर्म मिलेगा जिसमें कि सीएम दीदी सारा फॉर्म भर देगी और आपको स्कूल का हेडमास्टर से दस्तखत करवा के सीएम दीदी के पास वो फॉर्म जमा कर देना है। ठीक है। और दीदी इसमें 9वीं से 12वीं क्लास तक के 2 ही बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है, 3रे बच्चे को दीदी नहीं मिलती है। समझ गए दीदी? हाँ समझ गए।